सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिराज इस्लाम। मैं एक प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन। हम बंगाली हिंदी से बात ज़्यादा नहीं जानता, आपके लिए एक वीडियो ले आया, तो शुरू कर दे वीडियो। तो आज मैं आपको इसी मिक्सर ग्राइंडर का वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे मिक्सर ग्राइंडर में मोटर लगी होती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर को हम एक तरह से एसी का सीरीज मोटर भी बोलते हैं। इसको हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों से चला सकते हैं। अब हमें इस मिक्सर ग्राइंडर के स्पीड को कंट्रोल करना है, तो स्पीड के कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक रोटरी स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस मोटर को पावर सप्लाई देने के लिए एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 3 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा यूनिवर्सल मोटर है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम एक यहाँ पे ओवरलोड रिले लगाते हैं। जो हमारा ओवरलोड रिले होगा वो सिंगल फेस वाली होगी। अब देखिए दोस्तों, किसी किसी मिक्सर ग्राइंडर में आपको इंडिकेशन लैंप लगा भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको इंडिकेशन लैंप का भी कनेक्शन बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 5 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि हमारे मिक्सर ग्राइंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, इन सभी का वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका जो प्लग टॉप होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसमें एक टर्मिनल हम फेस सप्लाई के लिए यूज करते हैं, दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल के लिए, और तीसरा टर्मिनल अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनल से हम क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हमारा जो रोटरी स्विच है उसके पी वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो रोटरी स्विच था उसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा मोटर है उसमें 4 वायर है, ठीक है। अब इन 4 वायर को हम इन तीनों टर्मिनल पे किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दोस्तों, आपका जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसमें आपको कभी 4 टर्मिनल मिल जाएंगे, या फिर 5 भी मिल सकता है, या फिर 6 मिल सकता है। अब इन सभी तारों को आप किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा यूनिवर्सल मोटर है इसमें से 4 वायर बाहर निकल के आए हैं, ठीक है। अब इन 4 वायर में से हम किसको फेस सप्लाई दें और किसको न्यूट्रल सप्लाई दें, तो देखिए दोस्तों, इसको पता करने के लिए आप सिंपली मल्टीमीटर के द्वारा रेजिस्टेंस मेजर कर लीजिए। जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा वो वायर आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे दोस्तों, देख लीजिए। आपको क्या करना है कि आर वाई के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करना है, फिर वाई और बी, उसके बाद बी और आर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपका जो ब्लैक वायर है उस वायर के द्वारा सभी तारों के साथ में रेजिस्टेंस को मेजर कर लोगे, ठीक है। अब जो आपका रेजिस्टेंस आएगा उसको नोट डाउन करते चले जाएगा। जिस वायर का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आती है वो आपका न्यूट्रल वायर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास में 3 वायर बच गए, ठीक है दोस्तों। यदि आपका 4 वायर 5 वायर होता तो भी जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा वो आपका न्यूट्रल वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपके पास में यहाँ पे 3 वायर बच गए। अब जो न्यूट्रल वायर था उससे कम रेजिस्टेंस, यानी कि अब जो हमारा 3 वायर बचे हैं उन तीनों वायरों में से रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो हमारा लो स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और उससे कम वाला मीडियम स्पीड, और जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो वायर आपका हाई स्पीड वाली हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेड वायर है वो हाई स्पीड हो गया, उसके बाद येलो वाली वायर हमारा मीडियम स्पीड हो गया, और ब्लू वाला वायर हमारा लो स्पीड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इनको हम कनेक्शन कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहला टर्मिनल है उसको हमें क्या करना है, सबसे लो स्पीड वाले वायर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रोटरी स्विच है उसके पहले वाले टर्मिनल यानी कि 1 नंबर टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट करके ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा टर्मिनल है उसमें एक वायर को कनेक्ट करके येलो वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा वायर बच गया, तीसरे वायर को हम 3 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो न्यूट्रल सप्लाई कनेक्शन करने के लिए हमारा जो प्लग टॉप है, प्लग टॉप के जो दूसरा पिन है ये वाली पिन, ठीक है, इस पिन से हम एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो ओवरलोड रिले है उसके पहले वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो ओवरलोड रिले का दूसरा टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो मोटर है उसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। किसी किसी मिक्सर ग्राइंडर में इंडिकेशन लैंप भी होता है, ठीक है, तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए, जो हमारा इंडिकेशन लैंप होता है उसको हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो इंडिकेशन लैंप है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि इंडिकेशन लैंप के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा इंडिकेशन लैंप है उसके दूसरे टर्मिनल पे हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमने इंडिकेशन लैंप का
भी कनेक्शन कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यदि आपका मोटर रनिंग कंडीशन में है और यदि किसी कारण से ट्रिप हो जाता है, यानी कि ज्यादा लोड होने पे मोटर क्या होगा, ट्रिप हो जाती है। ठीक है, ट्रिप कौन कराता है? हमारा ओवरलोड रिले। ठीक है, अब जो हमारा ओवरलोड रिले है उसके ऊपर में एक पुश बटन लगी होती है, इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो ओवरलोड रिले है वो रिसेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा रोटरी स्विच है उसका पोजिशन चेंज करने पर मोटर के स्पीड भी चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में जो प्लग टॉप है उसका जो मोटा पिन है वो पिन का कनेक्शन बच गया। इस मोटे पिन में एक वायर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस वायर को हम क्या करेंगे, हमारा जो मोटर है उस मोटर के बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस मोटर के बॉडी को हमने अर्थ कर दिया। ठीक है दोस्तों, मोटा पिन हमारा अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, और जो दो पिन होते हैं उनमें हम फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर होती है उसका वायरिंग करते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।